करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत क्षण है। कहते हैं कि आज ही के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी। और आज एक बार फिर से मुझे आपके बीच में महसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी जो हजारों की संख्या में तादाद खड़ी है चारों ओर, क्योंकि पंडाल की अपनी सीमा है, लेकिन महसी ने पंडाल की सीमा को भी तोड़ करके जहां कहीं धूप हो, धूल हो, बाग हो, बगीचा हो, सब जगह खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसलिए आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष चिपकेश पांडे जी, लोकप्रिय सांसद सचेवा लाल गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी और भारी संख्या में उपस्थित बहराइच लोकसभा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से इस महसी की पावन धरा पर आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, पिछली बार मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और आपने आशीर्वाद दिया, श्री सुरेश्वर सिंह जी विधायक बने, प्रदेश में सरकार बनी, तो मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाया और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा पर भी भेजने का काम किया है। बहन और भाइयों, जो सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती हो, आपके हितों को संरक्षण देती हो, आपको विकास के कार्यों के साथ जोड़ती हो, और सरकार को बार बार मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उससे वर्तमान तो ठीक होता ही है, भविष्य को भी सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता, उसकी न्यू भी तैयार होती है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी बड़े गर्व के साथ कह सकती है, बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने विकसित भारत की परिकल्पना को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा है। बहन और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? दुनिया में सम्मान नहीं बचा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार इस कदर तक था कि विकास का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। बहन और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने देखा होगा दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है,
और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति ये है कि बहनों और भाइयों, कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ये भय है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दिया तो कहीं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए और फिर उसको लेने की देनी ना पड़ जाए। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, और यही नहीं आज एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। याद करिए, यह कमिश्नरी विश्वविद्यालय नेता बाबा पाटेश्वरी के नाम पर हम लोग एक विश्वविद्यालय इस कमिश्नरी को दे चुके हैं और महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहराइच में करा चुके हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना आयोग ने इसकी सहमति दी थी, 6 वर्ष फिर पछते में पड़ी रही। 78 में जनता पार्टी की सरकार के समय कार्य प्रारंभ हुआ और बहनों और भाइयों 41 साल हो गए, 43 साल हो गए, कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2017 में जो हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा किया। आज मैं देखता हूं कि बहराई श्रावस्ती